सो हे गाइस, ये देखो हमारे गेम में दिवाली रोल फर्स्ट चल रहा है और गन्ना फैन ने ऑफिशियली गेम में बता दिया है कि आप लोगों को दिवाली रोल सेकंड में दो इमोट देखने को मिलने वाले हैं। हाँ भाई, वही दो इमोट जो कि मैंने आप लोगों को दिवाली रोल सेकंड के लिए बताए थे। पर अब सवाल ये है कि हम लोग को दिवाली रोल थर्ड में कौन कौन से रिवार्ड्स देखने को मिलेंगे। बताना यार, तुम लोग कुछ चीज पूछो और मैं ना बताऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये कभी भी नहीं सकता। तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दिवाली रॉयल थर्ड में आप लोगों को कौन कौन से रिवार्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। और ये देखो, हमारे इंटर सुपर श्रीराम जी वाले बंडल का प्री इवेंट आ चुका है। पर गाइस, क्या आप लोगों को पता है हमारा ये जो रावण वाला बंडल है आप लोगों को कौन से इवेंट में देखने को मिलेगा? नहीं पता भाई। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो यार मैं किस लिए हूं? आज की वीडियो में आप लोगों को हमारे इंडिया सुपर आने वाले रावण के इस बंडल के कंफर्म इवेंट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कब आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या बात है सर। और गाइस, बात करेंगे टूनर अपडेट के साथ ही आप लोगों के कुछ फनी कमेंट्स के बारे में जो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो पे किए थे। ओके, इसी तरह गाइस और कुछ नए आपको भी इवेंट से के साथ ही बात करेंगे। आप लोग कुछ लकी कमेंट्स कह रहे हैं कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस पे किए थे, तो वही वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। पर गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना इसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो गाइस, अगर आप लोगों ने ये दोनों काम मेरे लिए कर दिए तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करें सबसे पहले अपडेट की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे इंडिया सुपर लकी व्हील इवेंट आ चुका है, जिसमें गाइस आप लोगों को हमारा फ्री स्प्रिट बंडल देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। मतलब गाइस, आप लोगों को पता है एंजेलिक के थीम पर हमारे इंडिया सुपर काफी सारे रिवार्ड्स डाले जा रहे हैं, तो गाइस उसी के थीम पर आप लोग को फ्री स्प्रिट बंडल देखने को मिल रहा है। साथ ही गाइस और भी काफी सारे रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पिन कर लिया एंड गाइस मेरे को यहाँ पे मिल चुके हैं सारे रिवार्ड्स 99 डायमंड में। अगर गाइस नो का लक मिल जाता तो भाई मजा आ जाता। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना गाइस, आप लोग को इस वाले लकी व्हील इवेंट में कितना परसेंट डिस्काउंट मिला या गाइस आप लोगों को कितने डायमंड में सारे रिवार्ड्स परचेज करने को मिल रहे हैं। अब देखो गाइस, अच्छी बात है कि यहाँ पे आप लोग को हमारे कुछ इवो गन के टोकन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इवो गन के क्रेट्स को डाला गया। साथ ही में आप लोग को वे पास के कुछ क्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे आप लोग को नेम चेंज कार्ड भी देखने को मिल रहा है, जिसके लिए आप में से कुछ बंदों के कमेंट आते हैं मनु भाई नेम चेंज कार्ड किधर से परचेज करेंगे। तो गाइस, इसी तरह आप लोग को किसी ना किसी डिस्काउंट इवेंट में करने वाले आप लोग को नेम चेंज कार्ड देने वाले। साथ ही गाइस आप लोग को यहाँ पे और भी काफी सारे रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पे आप लोग को कस्टम रूम कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो मैं बोलूंगा गाइस, आप लोग अगर कम डायमंड में यहाँ से कुछ मिल रहा है, मतलब कि नो डायमंड का अगर आप लोग का लक काम कर जाता है, तो गाइस यहाँ से आप लोग कस्टम रूम कार्ड वगैरह भी परचेज कर सकते हो। पर क्योंकि गाइस इस मंथ में आप लोग को ऑलरेडी हमारे इंडिया सुपर लकी व्हील इवेंट देखने को मिल चुका है, तो भाई लेवल अप शॉप के आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं बनते, तो इसका मतलब गाइस आप लोग को इस बार के दिवाली इवेंट पे लेवल अप शॉप नहीं दिया जाने वाला है। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गाइस आप लोग की टू नाइट अपडेट के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस टाइप का आप लोग को हमारे इंडिया सुपर एक लक रोल कल देखने को मिलने वाला है, यानी गाइस आप लोग को दिवाली रोल सेकंड देखने को मिलेगा, जिसमें गाइस आप लोग को हमारे एक कुंग फू वाला इमोट देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस आप लोग यहाँ पे बबल डांस वाला इमोट देखने को मिलने वाला है। सो देखो गाइस, मुझे पता आप में से काफी सारे बंदे यही पूछेंगे, मनु भाई क्या इस वाले लक रोल में हम लोग पुराने वाले वाउचर्स का यूज कर पाएंगे? तो गाइस बिल्कुल, आप लोग हमारे दिवाली रोल वाउचर का लक रोल फर्स्ट, लक रोल सेकंड एंड दिवाली रोल थर्ड में यूज कर पाओगे। सो अगर आप लोग को दिवाली रोल फर्स्ट एंड दिवाली रोल सेकंड के रिवार्ड्स पसंद नहीं आ रहे, तो गाइस आप लोग अपने वाउचर्स को जमा करके रख सकते हो दिवाली रोल थर्ड के लिए। खैर जो भी होगा, ये जो दिवाली रोल सेकंड है आप लोग हमारे इंडिया सुपर कल सुबह 4 बजे देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग वेट कर लीजिए। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, श्री राम जी से ज्यादा बढ़िया बंडल भाई आप लोग को रावण का लग रहा है एंड हर कोई बंदा रावण वाले बंडल को निकालना चाहता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि भाई रावण का बंडल कौन से इवेंट में आएगा। लेकिन गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रावण के बंडल का ऑफिशियल बैनर यहाँ पे निकल कर आ चुका है। 4 नवंबर को गाइस आप लोग को हमारे इंडिया सुपर रावण का स्पेशल एक टोकन विल इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में बात करें तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस टाइप का आप लोग को टोकन रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें गाइस आप लोग को हमारे लाइट टोकन देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग को मनिक महाराजा वाला बंडल देखने को मिल जाता है, यानी कि रावण वाला, जो कि बहुत ही खतरनाक एनिमेशन साथ आप लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस मैं आप लोग को बता दूं, इसके मुकुट में तो भाई आप लोगों को बहुत ही ओपी सा एनिमेशन देखने को मिल रहा है, बट गाइस इसमें आप लोग को दो स्पेशल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। पहला स्पेशल इफेक्ट गाइस, यहाँ पे आप लोग को एलिमिनेशन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस आप लोगों को आजकल बुया पास के बंडल्स में देखने को मिलता है। साथ ही गाइस यहाँ पे आप लोग एक नॉकडाउन इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है। सो देखो गाइस, हम सब लोग अपने रियल लाइफ में भी श्री राम जी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, श्री राम जैसी अच्छाइयों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, लेकिन गाइस ये पहली बार देख रहा हूँ कि भाई श्री राम जी वाले बंडल से ज्यादा आप लोग को रावण का बंडल पसंद आ रहा है। खैर ये तो गेम है, बट रावण का बंडल वाकई में ओपी वाला डिजाइन किया गया, लेकिन गाइस आप लोग इसके लिए दबा के डायमंड तो खर्च करना पड़ेगा। तो रावण के बंडल के अलावा गाइस आप लोग इस टोकन रिंग इवेंट में हमारी एक डिजिट ईगल की गन स्किन देखने को मिलने वाली, जो कि काफी अच्छे खासे एनिमेशन से आप लोग को दी जाती है। गाइस लेजेंडरी गन स्किन होगी। बात करें इसके एट्रीब्यूट के बारे में, तो गाइस आप लोग इसमें डबल एक्यूरेसी और सिंगल रेट ऑफ फायर प्लस देखने को मिल जाता है। साथ ही आप लोग को रीलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने को मिलने वाली है, और आप लोग को जानकर ये हैरानी होगी कि ये हम लोग को गिवअवे में फ्री में मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आप लोग को रोरिंग प्रोटेक्टर वाला
लोल स्किन भी दी जाएगी, लेकिन गाइस ये भी आप लोगों को गिवे में फ्री में दी जाएगी। खैर गिवे के बारे में गाइस हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। बाकी गाइस यहां पे आप लोगों को और कुछ रिवार्ड्स पिछली बार के दिवाली इवेंट के देखने को मिलने वाला, जैसे कि गाइस यहां पे आप लोगों को डार्क डिस्ट्रॉय बंडल देखने को मिल जाता है, जो कि पिछली बार के दिवाली इवेंट में देखने को मिला था एंड चैट टोकन टावर इवेंट में दिया गया था। तो ये वाला बंडल आप लोगों को इस टोकन रिंग इवेंट में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में गाइस आप लोगों को जो पिछली बार हमारे दिवाली इवेंट में फ्री में बंडल मिला था, वो भी गाइस आप लोगों को इस टोकन रिंग इवेंट में रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं, बट इसके चांसेस कम है। बाकी सारे रिवार्ड्स आप लोग हमारे इंडिया सफर 4 तारीख को आने वाले टोकन रिंग इवेंट में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग भी मनिक महाराजा वाला बंडल निकालना चाहते हो, तो आप लोग इस टोकन विल इवेंट के हमारे इंडिया सफर आने का वेट कर सकते हो। बहुत ही जल्दी गन्ना फिर हमारे इंडिया सफर इस टोकन रिंग इवेंट को अवेलेबल करवा देगा। इसके बाद में गाइस फाइनली अब हम लोग बात करें आप लोग की दिवाली रॉयल थर्ड के बारे में, जिसके लिए आप में से काफी सारे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे, मनु भाई सिर्फ एक बार दिवाली रॉयल थर्ड के बारे में बता दो ताकि हम लोग अपने वाउचर्स को जमा करके रख पाए, हम लोग दिवाली रॉयल थर्ड में स्पिन कर पाए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले हम लोग को जब भी दिवाली इवेंट देखने को मिलता था तो गाइस आप लोगों को 3 से 4 चीजें फ्री में दी जाती थी। जैसे गाइस आप लोग को हमारी फ्री लेजेंडरी गन स्किन में से कोई भी 2 गन स्किन फ्री में मिलती थी, फ्री लेजेंडरी इमोट में से गाइस कोई भी 2 इमोट आप लोग फ्री में ले पाते थे। इसी तरह गाइस आप लोग को और भी काफी सारे रिवार्ड पिछली बार के दिवाली इवेंट पे क्लेम करने को दिए जाते थे एंड ग्लोरी स्किन भी देखने को मिलती थी। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, गन वालों का रिवार्ड देने का तरीका बदल गया। मतलब गाइस आप लोग को पता है कि पहले आप लोग को कुछ मिशन कंप्लीट करने पर फ्री के रिवार्ड क्लेम करने को मिलते थे, बट गाइस अभी आप लोग को लक रोल में गोल्ड से स्पिन करने पर फ्री के रिवार्ड्स मिल रहे हैं। जैसे गाइस आप लोग को दिवाली रोल फर्स्ट में ग्लोल स्किन दी गई है, दिवाली रोल सेकंड में गाइस आप लोग को इमोट मिलने वाले हैं। और पिछली बार की तरह जिस तरह आप लोग को गन स्किन फ्री में दी जाती थी, नेक्स्ट दिवाली रोल थर्ड में गाइस आप लोग को गन स्किन देखने को मिलेगी। आप वो लेजेंडरी गन स्किन भी हो सकती है, गाइस थीम गन स्किन भी हो सकती है। बाकी गाइस एक बार दिवाली रोल सेकंड आ जाने दीजिए, उसके बाद में आप लोग को दिवाली रोल थर्ड भी कंफर्म कर दूंगा। और गाइस बात करें आप लोग की फ्री फिस्ट स्किन के बारे में, तो आप लोग ये देख सकते हो ये जो फ्री की फिस्ट स्किन है गाइस आप लोग को हमारे इंडिया सफर दिवाली स्पेशल गिव अवे में पार्टिसिपेट करने पर मिलने वाली है। तो इसके लिए गाइस सरप्राइज रिडीम कोड आएगा, जिसको 1000 या 2000 प्लेयर से रिडीम कर पाएंगे एंड गाइस ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए वैलिड रहने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों को भी रिडीम कोड के बारे में जानना है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे याद से सेट कर लेना, ताकि जैसे रिडीम कोड आएगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा और आप लोग भी सबसे पहले रिडीम कर पाओगे। बाकी गाइस बात करें आप लोग के कुछ लकी कमेंट्स के बारे में, तो फर्स्ट कमेंट में यूएन आदित्य ने पूछा है, मनु भाई गोल्डन कलोन का बंडल रिटर्न में आने का चांस है या नहीं? तो गाइस देखो आप लोगों को सारे इंक्यूबेटर के बंडल हमारे इंडिया सफर दिसंबर मंथ में जो हॉल ऑफ इंक्यूबेटर का इवेंट आएगा उसमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी ऐसी कोई कंफर्म डेट यहाँ पे निकलकर नहीं आ रही, लेकिन हाँ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट कमेंट में एचडी प्रिंस ऑफिशियल ने पूछा है, मनु भाई कोई नया एओ बंडल फेडब्ल्यू में आएगा क्या? तो गाइस देखो आप लोग का जो नया एओ बंडल निकलकर आया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसके कुछ आइकन्स निकलकर आ चुके हैं, जो कि गेमिंग फाइल्स में ऐड की गई है एंड इसे देखकर लग रहा है कि आप लोग को न्यू एओ बंडल टोकन टावर इवेंट में देखने को मिलने वाला है। एंड भाई आप लोगों को तो पता ही है टोकन टावर इवेंट में तो टोकन मिलने से भी ज्यादा डायमंड लगते हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट में एमएन रॉयल गेमिंग एफएफ ने किया है, मनु भाई एओ बंडल को अपग्रेड करना पड़ेगा क्या या प्लीज बता दो? तो गाइस देखो एओ बंडल को आप लोग को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आप लोग को अपग्रेडेड कोबरा बंडल की तरह देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट कमेंट में गेमिंग विद लोमान ने किया है, मनु भाई न्यू एओ वोल्ट कब आएगा और उसमें कौन कौन सा गन होगा? तो गाइस देखो न्यू एओ वोल्ट आप लोग को नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, यानी गाइस अभी आप लोग को हमारे इंडिया सफर नवंबर में देखने को मिला तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, जिसमें गाइस आप लोग को बहुत सारी गन स्किन रिटर्न में दी जाएंगी, जो कि एक बार भी अभी तक आप लोग को एओ वोल्ट में देखने को नहीं मिली है। फिर नेक्स्ट कमेंट में फास्ट एक्स बॉय ने पूछा है, मनु भाई 20 कमेंट कर दिए लेकिन ये नहीं पता हिप हॉप कब आएगा? तो गाइस आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे लूंगा भाई, हिप हॉप आ ही नहीं सकता अभी, आप लोगों को तो पता ही है भाई कैसे आएगा, कुछ सीन ही नहीं बन रहा अभी तो हिप हॉप के आने का। और लास्ट कमेंट में टॉमी गेमिंग ने पूछा है, मनु भाई दीपावली में मैजिक क्यूब कितने मिलेंगे, 2 या 1? तो गाइस देखो एक ही मिल रहा है आप लोग को, एक ही मिलेगा एंड दूसरा मैजिक क्यूब आप लोग को फ्री फायर इंडिया में लॉग इन करने पर मिल सकते हैं। लीग के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई फ्री फायर इंडिया आप लोग को 16, 17, 18 तारीख में से किसी 1 तारीख को देखने को मिलेगा, बट गाइस ये एक प्रिडिक्शन है, निकल कर नहीं आई है कंफर्म डेट, जैसे ही कंफर्म डेट आएगी तो आप लोग को बता दूंगा। बाकी गाइस आज के लिए इतना, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।